हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जिसमें पहला जो है वो एलसीए तेजस को लेकर है। तो एलसीए तेजस पहली बार परफॉर्म करेगा सिंगापुर एयर शो में, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 18 फरवरी तक चलेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एलसीए तेजस के लिए। ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि सिंगापुर एयरफोर्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो ये सिंगापुर एयरफोर्स के अपीजमेंट के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन जो एयर शोज होते हैं वहाँ पर दुनिया भर की नज़र होती है, और सिंगापुर एयर शो जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टेड और पॉपुलर एयर शो है। तो वहाँ कई कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं मौजूद होंगे, कई ऐसी कंट्रीज भी होंगी जिनकी फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की रिक्वायरमेंट है, तो उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता हुआ देखते हुए। साथ में इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह की क्वेरी भी जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे मौके जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती हैं कस्टमर्स को लुभाने की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और एलसीए तेजस जो है यहाँ पर सोलो डिस्प्ले करने वाला है। बाकी दुबई एयर शो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा था एलसीए तेजस के लिए, और मलेशिया के कॉम्पिटिशन में भी एलसीए तेजस के अच्छे खासे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ऑल दो बीच में कुछ ऐसे रूमर्स थे कि जो कोरियन FA-50 है वो फोर्थ रनर हो सकता है, पर वो रूमर्स से खाली। तो ये देखने वाली बात होगी कि मलेशिया के कॉम्पिटिशन में एलसीए तेजस कैसा परफॉर्म करता है। बाकी ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को आपको बेटर करना है तो आफ्टर सेल सर्विस और इसके प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो कस्टमर है उसे एयरक्राफ्ट टाइम से डिलीवर हो सके, और अगर बाद में कोई इशू आता है तो आप उनको टाइमली रिजॉल्व कर सकें। बाकी कंट्री के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट का जो कस्टमाइजेशन है वो टॉप नॉच है, क्योंकि इंडिया को फ्रीडम है वेस्टर्न और रशियन जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इस एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करने की, जो दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको देखने जल्दी नहीं मिलेगा। तो कई चीज़ें हैं जो इस एयरक्राफ्ट के फेवर में जाती हैं अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से देखें, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करना भी ज़रूरी है। बाकी अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे स्पॉन्सर का एक मैसेज है, इसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का पैंथर NDA 1 क्रैश कोर्स जो है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक चलने वाला है। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं और लास्टली प्रस्टप करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा, और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड MATRIX10 यूज़ करने पर। साथ ही साथ अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसके लिए भी कोर्स है नाइटिंगल MNS के नाम से, जो कि 60 डे का क्रैश कोर्स है और 9 फरवरी को ही स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल को ख़त्म होगा। इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारा रेफरल कोड MATRIX10 यूज़ करने पर। तो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसमें रेज अ हैंड फीचर मिल जाता है, आस्क अ डाउट फीचर मिल जाता है, साथ ही जितने भी बेनिफिट्स आपको प्लस के साथ मिले होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना पड़ेगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, NDA सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी यहाँ पर गिवन है, साथ ही एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। ये चीज़ याद रखिएगा, MATRIX10 जो रेफरल कोड है उसको यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और आपकी तैयारियों को लेकर बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़े और बात करें अगली रिपोर्ट की, तो इंडियन आर्मी द्वारा रिक्वायरमेंट बताई गई है करीबन 80,000 यानी कि 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट्स की, जो कि हायर लेवल की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे और पुराने हेलमेट्स को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ये रखी गई है कि ये 7.62x39mm की जो बुलेट्स हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होनी चाहिए। तो जो पुराने फाइबर ग्लास हेलमेट थे वो 9mm की पिस्टल के जो राउंड्स हैं उसे तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे, पर जो AK-47 के हैवियर राउंड्स होते हैं जो कि 7.62x39mm के होते हैं उनके अगेंस्ट में उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी नहीं थी। तो एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है आर्मी द्वारा, जिसमें टोटल 80,000 हेलमेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको बताया गया है, जिसमें से 3600 हेलमेट जो हैं वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए राष्ट्रीय राइफल्स के ट्रूप्स के लिए होंगे। अभी की बात करें तो अभी जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है, तो जो MKU हेलमेट है जो कि 9mm के राउंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उनको रैप किया जा रहा है पटका से। तो ये AK-47 के राउंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है, लेकिन कुछ दूरी से। तो जिस हेलमेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है वो एक्चुअली 7.62x39mm की जो बुलेट है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होने चाहिए अगर वो 10 मीटर की दूरी से फायर करी जाए। तो जो पटका और MKU हेलमेट का कॉम्बिनेशन है
इससे ज्यादा प्रोटेक्शन की मांग जो है वो करी गई है। साथ ही साथ मांग ये भी करी गई है कि जो हेलमेट होना चाहिए उसमें कम से कम 50% इंडिजिनस कंपोनेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ जो हेलमेट है इसमें टैक्टिकल रेल भी होनी चाहिए जिसमें अटैचमेंट लगाई जा सके, जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स हो गए, फेस वाइजर हो गया, टॉर्च हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई इंडियन कंपनी है जिसमें जो MKU है वो सबसे आगे है और उनके पास ऑप्शंस की कमी भी नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है कि ट्रूप प्रोटेक्शन को लेकर इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो इंडियन आर्मी द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि काफी पहले लिए जाने चाहिए थे, पर देर आए दुरुस्त आए। तो आज के लिए यही तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।